अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजर टीवी पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बेसिकली लूटी से कह सकते हो और एयर ड्रॉप टाइप एक्सचेंज की ऑफर है, और उसमें सबसे पहले प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है। ये बिल्कुल 100% रियल है। ये एक्सचेंज की ऑफर होती हैं, इसमें हर किसी को बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जिनको होता है फिर उनको मतलब वो रियल ही होता है। इसमें कोई फेक वाला काम नहीं होता और इंस्टेंट होता है। और ये आप देख सकते हो $800 एक बंदे को प्रॉफिट हुआ है। इस तरह बहुत सारे लोगों को, किसी को $100, किसी को $50, किसी को $2, $4, $10, इस तरह से प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये वीडियो आपने ये सोच के देखनी है कि एजुकेशन के लिए और लर्निंग के लिए हर चीज़ को आप ये सोच के ना देखा करो कि यार मुझसे प्रॉफिट भी हो। फर्स्ट आप चीज़ों को थोड़ा सा समझे और अंडरस्टैंड करें। इसमें बहुत सारी मैं आपको इतनी चीज़ें छोटी छोटी बारीक किस्म की चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको समझाऊंगा। वो आप वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम इस तरह की जब ऑफर्स आती हैं तो आपको अवेयरनेस हो जाती है इन चीज़ों की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बताऊँ, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो जब इस तरह की कोई ऑफर्स होती है मैं खुद चीज़ें मिस करता हूँ इस तरह की, और हमें थोड़ी सी समझ लें कि उकताहट होती है इस तरह की चीज़ों को ज्वाइन करने में। ठीक है, एक्सचेंज की ऑफर्स या इस तरह की जो एयर ड्रॉप्स होते हैं ये चीज़ें, तो रिसेंटली भी मैंने इस तरह की ऑफर्स मिस की हैं, और मुझे पता है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह से करते हैं। देखें, ये बस एक एक्सचेंज है हॉबी ग्लोबल। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले आपने इस पर अकाउंट बनाना है, और ये बाइनेंस एक्सचेंज जो है उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी एक्सचेंज है, और ये 100% रियल है। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एक्सचेंज को ज्वाइन करने का आपको एक फायदा ये भी होगा कि इसमें जो आप USDT की ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को USDT सेंड करते हैं, तो बाइनेंस पे अगर आप सेंड करते हो तो $1 फी लगती है। ईमेल के थ्रू बाइनेंस पे करते हो तो वहां से नहीं लगती, लेकिन अगर आप वैसे ट्रांजेक्शन करते हो एड्रेस पे तो $1 फी होती है। इसकी वो फी नहीं है, इसकी जीरो फी है, USDT की जीरो फी है। अगर आप USDT यहां से ट्रांसफर करते हो, तो मैंने ये अकाउंट सिर्फ इसलिए काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ हॉबी ग्लोबल का, और वेरीफाइड नहीं था, और सिर्फ इसी तरह यूज कर रहा था, और इस वजह से यूज कर रहा था कि इस पे फी नहीं थी। ठीक है, और आपका अकाउंट बन गया इस पे, उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि यहाँ पे टॉप पे एक ऑप्शन होगा इसका, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे ID वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन होगा। ID वेरिफिकेशन पे आपने जाना है, 5 मिनट लगते हैं टोटल, 5 मिनट। ठीक है, मैंने भी आज ही वेरीफाई किया है, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक भेजा, तो मेरा वेरीफाई हो गया। पहले इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक भेजो, मैंने भेजा, मेरी वेरीफिकेशन रिजेक्ट होगी। फिर उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन उन्होंने मुझे दिया, दोबारा से मैं अगेन से आईडी कार्ड का फ्रंट बैक प्लस फेस वेरिफिकेशन, 3 चीज़ें। पहले टाइम पे ये खुद आपको जानबूझ के मतलब कि सिर्फ आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक मांगते हैं, और वो आप सेंड करते हो तो आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट होती है 5 मिनट के अंदर ही। ठीक है, सेकंड टाइम पे आपको 3 ऑप्शन का कहते हैं, आईडी कार्ड का फ्रंट बैक और आपकी फेस की वेरिफिकेशन। अब आपके पास कोई भी आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे आप कर सकते हो और आपकी वेरिफिकेशन इस पर हो जाएगी। आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो इन फ्यूचर भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, अब जो ऑफर चल रही है वो कैसे, उस पर आप कैसे वर्क कर सकते हो, तो यहाँ पे ऊपर जो बैनर्स चल रहे होंगे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्राइम बॉक्स का। ठीक है, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, ये प्राइम बॉक्स इवेंट एवरी डे। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है। अब इसमें पहले जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे ना, तो आपके सामने एक NFT बॉक्स होगा, उसे आपने ओपन कर लेना है। उससे कोई भी NFT वगैरह आपकी आ जाएगी, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपने इग्नोर ही कर देना है। मेन जो ये चीज़ है ना, ये मैं आपको समझाने लगा हूँ। इसमें आपको कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ये कार्ड्स कैसे मिलते हैं वो भी समझाऊंगा, लेकिन इन कार्ड्स का फंक्शन क्या है। पहला वाला जो ऑप्शन है ना, स्टार, 1-स्टार कार्ड और 2-स्टार कार्ड और 3-स्टार कार्ड, ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, 1-स्टार कार्ड, 2-स्टार कार्ड और 3-स्टार कार्ड, इनमें कार्ड्स होते हैं। जब ये 5 कार्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, इस वक्त मेरे पास 3 कार्ड्स इसमें हो चुके हैं। ठीक है, मुझे 2 कार्ड्स और रिक्वायर्ड है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, तो मुझे इसमें से डॉलर्स मिलेंगे। अब ये जो $100 है ना, इसमें 100 भी मिल सकता है, $1 भी मिल सकता है, $2 भी, $5 भी। ठीक है, $100 हर किसी को नहीं मिलता, ये लक पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लाजमी मिलेगा, $1, $2 लाजमी मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2-स्टार कार्ड जो है ना, इसमें $1,000 टोटल है, मतलब ये $1,000 भी आपको मिल सकता है मैक्सिमम, लेकिन इस पे पूरा $1,000 हर किसी को नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है, लक पे डिपेंड करता है। लेकिन ये अगर इसमें आप इस पे, इसमें मेरे पास कार्ड्स हैं इस वक्त 2 ही कार्ड्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, और मेरे पास 3 कार्ड्स और हो जाएंगे, तो इसको भी मैं जब ओपन करूंगा इसको, तो यहाँ $1,000 में से कुछ भी निकल सकता है, लेकिन इसमें ये है कि आपको कम से कम $10 तो लाजमी ही मिलेंगे, या $5 से ऊपर ही आपको मिलेगा। ठीक है, उससे कम नहीं मिलेगा। और ये जो 3-स्टार कार्ड है ना, आप 3-स्टार कार्ड के कार्ड पे क्लिक करो, इसमें भी मेरे पास 2 कार्ड्स ही हैं अभी तक। ठीक है, जब मेरे पास 5 कार्ड्स हो जाएंगे, तो जब इसको ओपन करूंगा, इसमें टोटल $10,000 है। ठीक है, इसमें से एक जानने वाले फ्रेंड का मतलब $800 तक का निकला है,
तो इसमें से आपका भी $800 का, मैं कहता हूँ $3,000 भी निकल सकता है, डिपेंड करता है लक पे, ठीक है। और जब आप ओपन करोगे तो, लेकिन कम से कम इस पे आपका मतलब कि आप ये समझ लो, सबर कर लो कि $20-25 तो आपके हर किसी के निकलते हैं इसमें से, ठीक है, जो इसको अचीव कर लेता है। अब ये कार्ड्स कैसे मिलते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखें, कार्ड तो काफ़ी सारे तरीकों से मिलते हैं, लेकिन हम जो अफोर्ड कर सकते हैं तरीके वो कौन से हैं, ठीक है। एक तो जो न्यूली ज्वाइन करेगा इसको, वो इस ज्वाइन नाउ पे भी क्लिक करेगा, इस पर क्लिक करेगा तो कुछ ना कुछ शायद इसको मिले, इसका मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पहले से ज्वाइन था। दूसरा, ट्रेड एंड स्पिन एंड विन, ठीक है, एक ये वाला ऑप्शन है, ये भी आपको समझाता हूँ। और एक ऑप्शन है माइनिंग मैजिक माइनर, ठीक है, मैजिक माइनर अब इधर से भी आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं बैक कर देता हूँ। ये ऑप्शन एक और जगह पे भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैजिक माइनर का ऑप्शन इस जगह पे है, ठीक है। मैजिक माइनर के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे जब आप आओगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, सबसे पहले ये जहाँ पे लिखा हुआ है माइन नाउ, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, उसे ओपन करोगे, तो आपका 7 डेज के लिए या 15 डेज के लिए या 30 डेज के लिए आपको एक मतलब एक माइनिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। तो चांसेस होते हैं, ठीक है, आपके पास 1, 2, 3 चांसेस, जितने भी, वो चांसेस कहाँ से आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो जितने भी आपके, इस वक्त मेरे पास 0 चांस है, पहले 3 थे, तो मैं 3 वो क्लेम कर चुका हूँ। तो माइन नाउ पे आप क्लिक करते हो तो उसी वक्त आपको बता देता है आपका क्या विन हुआ है, मतलब अर्निंग कितनी हुई है, और उसके साथ कार्ड्स भी, दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो कार्ड्स भी आपको मिलते हैं, दूसरा आपको अर्निंग भी होती है। तो मुझे शिप कॉइन तकरीबन 13,000 शिप कॉइन इससे मिले, जो तकरीबन $0.5 बनता है, ठीक है। और अब यहाँ पे नीचे जब ऑप्शन हम देखते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है, 3-4 ऑप्शन है, जो आप जो सबसे सिंपल ऑप्शन है जो हर कोई कर सकता है, वो ये है कि डाउनलोड होबी वैलेट, ये आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया होता है, ठीक है, इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करना होता, आपने करना सिर्फ ये होता कि यहाँ पे एक गो का ऑप्शन होगा, ये लास्ट वाले ऑप्शन में एक गो का ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपने ओपन एक दफ़ा इसको ओपन करना है, फिर बैक कर देना, और ऑटोमेटिकली आपको इसका एक चांस मिल जाएगा, माइन वाले ऑप्शन पे आपको एक चांस मिल जाएगा, और आप माइन कर सकते हो, उसमें आपके $10 भी निकल सकते हैं, कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। और अब उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है ना, जो थोड़ा सिंपल ऑप्शन है, वो भी बता देता हूँ, वो ये वाला है कि मेक स्पॉट ट्रेड्स, $500 की स्पॉट ट्रेड करोगे तो आपको एक स्पिन मिल जाएगा, ठीक है। उस एक स्पिन, वो स्पिन कैसे यूज़ होगा, आप यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ऑप्शन है बैक करके देखो, तो ट्रेड स्पिन का ऑप्शन है होम वाले ऑप्शन पे, ठीक है, इस पे आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि मेरे पास इस वक्त 0 स्पिन्स हैं, और यहाँ पे आप स्पिन कर सकते हो, स्पिन तब कर सकते हो जब $500 की ट्रेड कंप्लीट करोगे। तो ट्रेड एंड स्पिन वाले ऑप्शन में आके आपने ये करना है, तो गेट फ्री स्पिन्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड नाउ। अब इसमें आपने क्या करना है कि $500 की ट्रेड कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपके पास $500 है तो एक ही ट्रेड अगर आप बाय करोगे कोई भी करेंसी, TRX या कुछ भी, तो आपकी बाय हो जाएगी, आपकी ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास $100 है सिर्फ, तो आप एक दफ़ा बाय करो तो $100 की ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी, और उसी करेंसी को एक दफ़ा सेल करो तो $200 की ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह करके आप $500 की ट्रेड कंप्लीट कर सकते हो, इसको कहते हैं ट्रेड कंप्लीट करना। ये आप स्पॉट में करते हो और इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं होता, आप इंस्टेंटली बाय सेल करते हो, जस्ट एक किसी भी कॉइन को फौरी तौर पर इंस्टेंटली विद इन सेकंड्स बाय और सेल करते हो, दैट्स इट। वो एकदम से मतलब एक सेकंड के अंदर तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो करेंसी आप बाय करो वो नीचे जाए तो आपको लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और $500 की जो मैंने ट्रेड कंप्लीट किया उस पर मेरी जो कॉस्ट आई थी वो $1 की आई थी, ठीक है। और अगर आप ये चीज़ कर लेते हो और उसके बाद जो आपको मतलब शिप वगैरह विन करते हो, तो एटलीस्ट $0.5 की शिप आप विन कर जाते हो, ठीक है, तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, मतलब $0.5 आपका चला जाता है इसमें, यानी कि ज़्यादा भी विन कर सकते हो, लेकिन मैंने $0.5 के विन किए, एटलीस्ट आप इतना लाजमी करोगे कम से कम। तो मतलब ओवरऑल आपको जो लॉस होगा ना इसमें वो 50 सेंट का होगा, लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आप दूसरी तरफ से विन कर जाते हो ना कोई बड़ी अमाउंट, तो वो तो फिर आपका सारा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि आप ये चीज़ें आपने कर ली, स्पिन भी आपने आपको मिल गया, स्पिन जब आप प्ले करोगे ना तो उससे उसकी वजह से भी माइनिंग का आपको एक चांस मिलता है, ठीक है। मैजिक माइनर पे आप अगेन से आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे चांस होते हैं माइनिंग के, ठीक है, और ये माइनिंग के जो चांसेस होते हैं ये आप अपने लिए क्रिएट करते हो। और एक एंड पे जो ऑप्शन एक और भी आ गया है वो आपको समझा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन है मेक होबी अर्न डिपॉजिट, इसमें ये स्टेकिंग का ऑप्शन है, ठीक है, ये भी सिंपल सा ऑप्शन है, इसमें भी आप इंस्टेंटली डिपॉजिट इंस्टेंट विड्रॉ करते हो। गो के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, $500 की इसमें टोटल ट्रेड है, लेकिन इसमें फी 0 है, 0 फी है, इसमें कोई भी फी नहीं है, इसमें लॉस का 0% चांस है, कोई चांस नहीं है कि आपका कहीं पे लॉस हो। तो यहाँ पे आके आपने ये करना है कि यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वीडियो 2 दफ़ा बेशक देख लो, लेकिन अपनी सारी बातें वन बाय वन आपने ट्राई करनी है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएगी ये सारी कैसे करनी पड़ती हैं। तो ये जो ऑप्शन है यूएसडीटी वाला, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है, और इस तरह से कर लोगे इस पर मतलब ऑरेंज टिक आ जाएगा, उसके बाद आपने दोबारा से गेम पे इस पर क्लिक करना है,
क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लेक्सिबल का, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि किसी वक्त विड्रा कर सको, लेकिन जो इसमें टाइमिंग होती है 14 डेज 30 डेज, इसको अगर आपने टिक किया 30 डेज तो फिर वो उतने दिन के लिए आपकी अमाउंट लॉक हो जाएगी और उस पर आपको परसेंटेज दी जाएगी 12% आपकी अमाउंट पे, ठीक है, या जो कुछ भी, ठीक है। और ये देख सकते हो फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल आपने टिक कर लिया और यहाँ से नीचे आगे इसको आपने आई हैव रेड पे टिक किया और यहाँ पे अमाउंट आपने मैक्सिमम टिक कर दी। मेरे पास $47 है तो मैं डिपॉजिट कर दूंगा और कन्फर्म बाय पे क्लिक करूंगा तो मेरा सक्सेसफुली डिपॉजिट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, वापस बैक करूंगा और इसको मैं इसको विड्रा करूंगा इसी वक्त, ठीक है, आपके सामने ही विड्रा करूंगा और ये वापस से मेरे उधर मेन एसेट में चले जाएंगे, ठीक है। ये $47 आप देख सकते हो, इस पर क्लिक किया और ये $47 पे क्लिक किया और विड्रा पे क्लिक किया, मैक्सिमम पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और रिडीम पे क्लिक किया और ये वापस से देखिए सक्सेसफुल ये यहाँ से विड्रा हो गया। तो ये मेरी मतलब $500 की अगर आप ट्रेड कंप्लीट करना चाहते हो, जो कि मतलब टाइम ही लगेगा आपका, यानी कह सकते हो कि 5-6 मिनट ही लगेंगे, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई लॉस हो या कोई ऐसा मसला हो। आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्टेकिंग पे कैसे अमाउंट को लगाना पड़ता है, इसको बेसिकली स्टेकिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि इन फ्यूचर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो आपको शेयर करने होते हैं फिर लोगों को समझ नहीं आती, तो आपके लिए अगर आप इस पर 1 रुपया भी ना कमाओ, सिर्फ आपको अवेयरनेस भी हो जाए ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हो $47 जो मेरे थे वो यहाँ पे वापस आ चुके हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपको वापस अगेन से फॉर्म पे क्लिक करके वो चीज़ समझाता हूँ कि मैजिक माइनर पे हम दोबारा गए, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ आपको और भी बताऊँ। अच्छा, कार्ड्स दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट भी कर सकते हैं, वो भी समझाता हूँ। अब देख सकते हो मेरी, मैंने पहले $47 की थी, उसके बाद दोबारा $47 की किया, अब मेरी टोटल $94 की हो चुकी है और टोटल मैंने $500 की करनी है। ये मैं वीडियो एंड होने के बाद आराम से कौन से करता रहूँगा और इस ये जब कंप्लीट होगी तो इस पर मुझे माइनिंग का एक चांस भी मिल जाएगा यहाँ पे, और मैं दोबारा माइन नाउ पे क्लिक करूंगा तो फायदा उससे क्या होगा, दोबारा माइन नाउ पे क्लिक करूंगा एक तो शिप मुझे मिलेगी या जो कुछ भी मुझे करेंसी मिलेगी, चाहे वो $1 मिले $10 की मिले, एक तो ये हो गया। दूसरा मुझे कार्ड्स मिलेंगे, कार्ड्स जब मिलेंगे तो अब वापस कार्ड्स वाले सेक्शन पे चलते हैं। कार्ड्स वाले सेक्शन पे अगेन जाने के लिए आपको ये करना होता है कि यहाँ पे ऊपर जो बैनर चल रहे होते हैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो मैं इसको बैनर कहते हैं, ये जो ऊपर, ठीक है, ये ऑफर्स होती हैं मुख्तलिफ एक्सचेंज पे, किसी भी एक्सचेंज पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो प्राइम बॉक्स वाला आ गया, इस पर क्लिक करूंगा तो अगेन से वही ओपन हो गया, वो स्टार्स वाला कार्ड्स वाला ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। तो जब मैं अपना वो $500 की ट्रेड कंप्लीट होगी तो हो सकता है कोई ना कोई मैं माइन नाउ पे क्लिक करूं तो मेरा कोई ना कोई कार्ड मुझे यहाँ पे और मिल जाए, ठीक है। अब ये कार्ड गिफ्ट भी कर सकते हो एक दूसरे को, गिफ्ट कैसे करते हैं, गिफ्ट योर फ्रेंड, ठीक है। गिफ्ट का मतलब ये है कि मुझे ये वाले कार्ड दो रिक्वायर्ड है ना, तो मुझे कोई दोस्त ये गिफ्ट भी कर सकता है जिसके पास ये होंगे। और इसमें एक बात और आपको समझाता हूँ कि गिफ्ट आप सोचोगे कि अगर दूसरा आप हमें गिफ्ट कर देगा तो वो कार्ड क्या यूज करेगा, तो समटाइम हमारे पास एक ही कार्ड एक से ज्यादा मरतबा होता है। जैसे ये 2-स्टार कार्ड में आपको मैं जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखो कि ये जो डायमंड हैंड्स हैं, ये वाला कार्ड मेरे पास 2 हैं, मुझे रिक्वायर्ड सिर्फ 1 है और मेरे पास 2 हैं, तो अब मैं किसी को गिफ्ट कर सकता हूँ ये वाला कार्ड, ठीक है। गिफ्ट करने का तरीका क्या होता है कि और इसी तरह किसी के पास अगर इन कार्ड्स में से होगा ना तो वो मुझे गिफ्ट कर सकता है। अब ये कार्ड्स अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो अगर आपके पास कार्ड्स होते हैं, कोई कार्ड 2 आ जाते हैं तो आप मेरे साथ एक्सचेंज कर सकते हो और मैं आपको वो वाला कार्ड दे दूंगा जो मेरे पास 2 होंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक टेलीग्राम का, तो दोस्तों एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, इस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। इस ग्रुप में आके उसके बाद यहाँ पे मेरा नंबर आप देख सकते हो जो एडमिन होगा, ठीक है, उसको आप मैसेज कर सकते हो तो हम आपस में कार्ड्स एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये इस ग्रुप को भी अगर इसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो मैं इसको ओपन कर दूंगा ताकि इसमें आप सब दोस्त एक दूसरे के साथ कार्ड्स एक्सचेंज कर सकें, ठीक है। उसके अलावा टेलीग्राम, ये टेलीग्राम लाजमी ज्वाइन कर लो इस तरह की चीज़ों के लिए, इस तरह की ऑफर्स के लिए। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, 2000 इस पर मेंबर्स हैं, ठीक है, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। अजर टीवी ऑफिशियल लिख के सर्च भी कर सकते हो, लेकिन लिंक भी उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक हो गया। और अब गिफ्ट कैसे करते हैं, गिफ्ट योर फ्रेंड पे क्लिक करते हो आप, ठीक है। और अब मेरे पास देखता हूँ कौन से कार्ड है, ठीक है, डायमंड हैंड्स, ठीक है, ये मैं गिफ्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये 2 हैं, तो ये डायमंड हैंड इसमें गिफ्ट योर फ्रेंड पे क्लिक करूंगा और इसका मुझे लिंक मिल जाएगा। ये लिंक मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद ये मैं किसी भी फ्रेंड को सेंड करूंगा ना तो वो इस पर जस्ट क्लिक करके इसको ओपन करेगा ना तो उसको ये वाला कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसी तरह हम कार्ड्स आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ होगी। तो दोस्तों ओवरऑल सारी मैं डिटेल आपको इसकी समझा दी है, लिंक इसका मिल जाएगा इस एक्सचेंज का आपको डिस्क्रिप्शन में। ओवरऑल क्या है, ये मैजिक माइनर पे बार बार आप एक मैजिक माइनर वाले ऑप्शन में जाके आपको कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी है, और उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने वो कार्ड्स वाला सेक्शन देखना है तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा प्राइम बॉक्स, ये वाला जो बैनर है इस पर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा।
तो दोस्तों इस पे आप ट्राई जरूर करो, इस पे आप विन कर सकते हो, $100 भी विन कर सकते हो, 10 भी विन कर सकते हो, 5 भी विन कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।